पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बाबा गंगानाथ मंदिर में पिछले 62 साल से जारी श्री रामायण पाठ का शुभारंभ मंदिर प्रांगण में वैदिक रीति रिवाज के साथ किया गया। श्री रामायण संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष चैन सुख एडवोकेट ने रामायण का शुभारंभ कराया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी शिद्दत के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष चैन सुख द्वारा बताया गया कि श्रद्धा के साथ हर साल इस रामायण का पाठ कराया जाता है और रात्रि में रामायण के पाठ के बाद प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी होती है। उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी के फेरी में बच्चे, बूढ़े और जवान भी हिस्सा लेते हैं और महिलाएं भी बड़े तालाब में शामिल होती हैं। अध्यक्ष चैन सुख गोले एडवोकेट ने यह भी बताया कि इस रामायण पाठ के शुभारंभ के मौके पर संकीर्तन मंडल के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रतुल शर्मा, संदीप रस्तोगी, आशुतोष त्रिवेदी, अमित रस्तोगी, पवन कौशिक, अंकुर, मुकेश टंडन, कमल किशोर, अतुल पंडित, अरविंद रस्तोगी, विकास व्यास, मुकेश रस्तोगी, अनिल महेश्वरी, उमेश पाठक, आलोक शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारा रामायण संकीर्तन मंडल का वर्ष का एक कार्यक्रम शुरू होता है माघ मास में। ये महामास जो है कल से पूर्णमासी है, तो उस एक दिन पहले हम रामायण का पाठ शुरू करते हैं बाबा श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में। आज तो उसका शुभारंभ है। कल से प्रातःकाल हमारी प्रभात फेरी निकलेगी 5 बजे से और विभिन्न विभिन्न मोहल्लों में जाती है प्रतिदिन। कल जो प्रथम सोमवार है इसका माघ मास का, तो हमारी प्रभात फेरी पहले दिन वासुदेव तीर्थ तक जाएगी, चौक से इधर से होगी 5 बजे यहाँ से शुरू होगी, और जिसमें हमारे अनिल गायत्रिया जी, पाठक जी और सभी लोग हमारे साथ उसमें जाते हैं, सभी सेवा करते हैं। प्रदोष शर्मा हमारे महापति जी, हमारे टंडन साहब, बाकी सभी लोग मंडल के जो जुड़े हुए हैं सभी लोग हमारे उसमें क्या हमारी अमित जी, ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं। और प्रभात फेरी में पवन कौशिक जी सब लोग जाते हैं। और ये रामायण संकीर्तन मंडल द्वारा जो कराया जाता है हर साल रामायण का पाठ, तो ये कितने दिन चलता है और कितने लोग इसमें? एक महीना चलेगा, पूरा महीना चलेगा। और इसका समापन जो है जब मास का अंतिम दिन होगा तब, और उसके बाद अगले दिन हमारी बहुत नींद शोभा।